वेलकम बैक फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर अनुराग आपके कुशल मंगल होने की कामना करता हूँ। आज लेकर आया हूँ आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट कोरोना से रिलेटेड हर बार की तरह, और ये अपडेट कहती है सिंगल डोज ऑफ कोवैक्सिन। यस, आज तो आपने बिल्कुल सही सुन लिया है, सिंगल डोज ऑफ कोवैक्सिन। हर इंटरनेट पे आप देखोगे, हर सोशल मीडिया पे आप देखोगे, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, हर जगह यही मैसेज फैल रहा है, सिंगल डोज ऑफ कोवैक्सिन, सिंगल डोज ऑफ कोवैक्सिन एंड सिंगल डोज ऑफ कोवैक्सिन। तो आखिर क्या है ये सिंगल डोज ऑफ कोवैक्सिन? आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सारी सच्चाई, एंड इस राज का भी आज पर्दा खोलूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ, देखिए ये वीडियो पूरा, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि आखिर कोवैक्सिन का सिंगल डोज होता क्या है। कोवैक्सिन ये इंडिया में बनाई गई सबसे पहली वैक्सीन है। ये इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन है जो कि भारत बायोटेक द्वारा बनाई जा रही है। तो कोवैक्सिन के बारे में सबसे पहले आइए जान लेते हैं इसके बेसिक्स को, ताकि आपको पता हो कि ये किस तरीके से दिया जाता है, कितने डोजेस में दिया जाता है, किस एज ग्रुप के लोगों में दिया जाता है, क्या साइड इफेक्ट होता है इसका, क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन से, मतलब कौन इन्हें नहीं लगा सकते हैं, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इसका। तो एक बार जब आपको आइडिया लग जाएगा इसके बेसिक्स के बारे में, तो फिर आपको समझने में बहुत आसानी होगी कि आखिर कोवैक्सिन सिंगल डोज क्या होता है, आखिर क्यों ये सिंगल डोज कोवैक्सिन छाया हुआ है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस वैक्सीन के टाइप की। जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी आपको बता रखा है कि जनरली तीन अप्रोच होता है वैक्सीन का, होल यूनिट, सब यूनिट एंड जेनोमिक। तो अगर आप देखो तो होल यूनिट को भी तीन सब ग्रुप्स में बांटा गया है, इनएक्टिवेटेड, लाइव अटेन्यूएटेड एंड वेक्टर बॉर्न। तो जहां तक कोवैक्सिन का सवाल है, तो ये होल यूनिट वैक्सीन होता है एंड ये इनएक्टिवेटेड टाइप का वैक्सीन है, मींस किल्ड वैक्सीन है ये, अनलाइक अदर्स जैसे कि कोविशील्ड जो कि वेक्टर बॉर्न होता है, जैसे कि मॉडर्ना, जैसे कि फाइजर बायोनटेक, वो जेनोमिक अप्रोच से एमआरएनए वैक्सीन होते हैं। जैसे कि जाइकोव डी की बात करो तो वो प्लाज्मिक डीएनए वैक्सीन होते हैं। तो इसी तरीके से कोवैक्सिन इनएक्टिवेटेड होल यूनिट अप्रोच के तहत बनाया गया है। सेकेंडली अगर देखते हैं इसकी रूट को, तो रूट वाइज इसको इंट्रामस्कुलर डाला जाता है। जहां तक डिफरेंट वैक्सीन का सवाल है, कोरोना वैक्सीन की ही बात कर रहा हूं मैं, ऑलमोस्ट जितने भी वैक्सीन हैं सभी को इंट्रामस्कुलरली ही डाला जाता है, एक्सेप्ट फॉर जाइकोव डी। जाइकोव डी को इंट्राडर्मली डाला जाता है। यस, अगर आप जाइकोव डी के बारे में जानना चाहें तो हमारे ये प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हो। अब जहां तक एज वाइज का सवाल है, तो ऑफ कोर्स इसको 18 साल के ऊपर वाले व्यक्तियों में दिया जाता है। हाँ, अगर हम लोग 18 इयर्स के नीचे की बात करें, उस केस में भी जाइकोव डी ही एक ऐसी अप्रूव्ड वैक्सीन है जो 12 से 18 साल की उम्र में दिया जा सकता है। बट 12 साल के नीचे अभी अंडर ट्रायल हैं वैक्सीन, अभी मार्केट में लॉन्च नहीं की गई है, बट आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि उनकी भी लॉन्चिंग हो जाएगी। अब जहां तक इसके डोजेस का सवाल है, तो ये दो डोज में दिया जाता है प्राइमरीली। तो पहला डोज लग जाने के 28 दिन के बाद आपको सेकेंड डोज के लिए जाना होता है। अब जहां तक आप देखो जितने भी वैक्सीन हैं, ऑलमोस्ट कोरोना से रिलेटेड सभी दो डोज में ही आता है। तीन डोज वाली जाइकोव डी होती है, एंड अगर सिंगल डोज की बात करें तो आप हमारा ये प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो, जो जॉनसन एंड जॉनसन द्वारा बनाया गया जैनसन वैक्सीन है। यस, ये सिंगल डोज में ही अप्रूव्ड है, सिंगल डोज सफिशिएंट होता है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। साइड इफेक्ट्स की अगर बातें करें, तो साइड इफेक्ट्स बहुत ही माइनर सा होता है इस वैक्सीन से, एंड इसको दो कैटेगरी में जनरली बांटा जाता है, लोकलाइज्ड एंड सिस्टमिक। लोकलाइज्ड कहने का मतलब है कि आपने जहां पे इंजेक्शन लगवाया है, हो सकता है वहां पे थोड़ा सा पेन हो, रेडनेस हो, थोड़ी सूजन आ जाए, स्वेलिंग हो जाए, आर्म मूव करने में आपको थोड़ी सी तकलीफ हो, मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन मिले। अगर सिस्टमिक की बात करते हैं तो थोड़ा फीवर आपको आ जाएगा, हेडेक हो सकता है, बैकएक रहता है, मस्कुलर पेन रहता है, जनरलाइज्ड लेग पेन होता है, नौजिया फीलिंग होती है, कभी कभी वॉमिटिंग सी हो सकती है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, लेकिन साइड इफेक्ट्स अगर आप देखो तो माइनर साइड इफेक्ट्स ही इसमें देखने को मिलते हैं, कोई मेजर साइड इफेक्ट्स इसमें रिपोर्टेड नहीं है। एंड अगर साइड इफेक्ट्स आना भी होता है तो फर्स्ट 5 to 7 डेज में ही डेवलप करता है, आफ्टर 1 वीक बहुत ही रेयरली रिपोर्टेड है,
एंड ये साइड इफ़ेक्ट्स भी एक से दो दिन में 24 से 48 घंटे में चला भी जाता है। कभी कभी आपको कुछ मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है, अदरवाइज आप विदाउट मेडिकेशन भी साइड इफ़ेक्ट से निकल सकते हो। प्लस अगर हम लोग कॉन्ट्राइंडिकेशन की बातें करें तो कॉन्ट्राइंडिकेशन में ऑफकोर्स जैसा कि मैंने आपको बताया 18 साल से नीचे इस वैक्सीन को नहीं लगाया जाएगा, तो ये एज ग्रुप कॉन्ट्राइंडिकेशन में आता है। दूसरा कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है कि अगर पहले इंजेक्शन से आपको कुछ सीवियर एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन हुआ है तो आपको सेकेंड डोज नहीं लगवाना होता है। तीसरे ग्रुप में वो लोग आते हैं, अगर आप इस वैक्सीन के कंस्टिट्यूएंट को देखो तो तीसरे ग्रुप में वो लोग आएंगे जो इन कंस्टिट्यूएंट से एलर्जिक होंगे, जिनको पता है कि हाँ हमें एलर्जी है इसके कुछ खास इंग्रेडिएंट से, उनको ये वैक्सीन लगवाने नहीं जाना होगा। अब फाइनली हम लोग बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। एक बार आपको मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा तो आपको समझने में बहुत ईजी होगा कि सिंगल डोज को वैक्सीन क्यों कहा जा रहा है। तो मैकेनिज्म बेस्ड है प्राइम बूस्ट टेक्निक पे। जहाँ भी आप देखते हो डबल डोज में या ट्रिपल डोज में वैक्सीन को लगाया जाता है, जनरली वो प्राइम बूस्ट टेक्निक पे ही आधारित होता है। तो होता क्या है ये प्राइम बूस्ट टेक्निक? प्राइमिंग का मतलब है जब आपने पहला डोज लगवाया है तो आपकी इम्यून रिस्पॉन्स का प्राइमिंग हो जाता है, कुछ एंटीबॉडीज बनने शुरू हो जाते हैं आपके बॉडी में एंड वो सर्कुलेशन में रहते हैं कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक, 2 से 4 हफ्ते ये एंटीबॉडीज परसिस्ट करते हैं आपके बॉडी में। अब जब आप सेकेंड डोज लगवाने जाते हो तो इसी इम्यून सिस्टम का बूस्ट हो जाता है। बूस्ट होने का मतलब ये है कि कुछ एंटीबॉडीज बहुत लॉन्ग टर्म के लिए परसिस्ट कर जाता है आपके सर्कुलेशन में। दूसरा, कुछ बी सेल्स मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये मेमोरी सेल्स लाइफ लॉन्ग परसिस्ट करता है आपके बॉडी में। जब कभी आपका बॉडी कोरोना के कॉन्टैक्ट में आएगा तो ये बी सेल्स से जो एंटीबॉडीज बनेगा वो आपके कोरोना के खिलाफ लड़ाई करेगा। एंड तीसरा, इसके साथ ही साथ टी सेल्स का भी एक्टिवेशन हो जाता है। तो कुल मिला के सेकेंड डोज के बाद इम्यून सिस्टम का बूस्टअप हो जाता है। तो अब देखा जाए क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि सिंगल डोज कोवैक्सीन ही सफिशियंट है, तो किन में सफिशियंट है इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। आप देखो एक एग्जाम्पल के तहत आप समझो, एक इंसान ऐसा है जो प्रीवियसली अनइम्यूनाइज्ड था, उसे किसी भी तरीके की वैक्सीन नहीं लगी थी, उनको कोविड-19 हो गया। कोविड-19 होने के बाद इनकी रिकवरी हो जाती है कम्प्लीटली, तो आफ्टर रिकवरी जो समय तय किया गया है उस नियत टाइम पे अगर आपने कोवैक्सीन का एक डोज लगा लिया तो ये सफिशिएंट होता है आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। कहने का मतलब अब दो डोज लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल डोज ही सफिशिएंट होगा आपकी इम्यूनिटी के बूस्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर नेचुरल एंटीबॉडीज तो पहले से ही बनी हुई है, क्योंकि आपको कोविड-19 हुआ था, तो कोविड-19 हुआ तो नेचुरल एंटीबॉडीज आपके बॉडी में ऑलरेडी बनी हुई है एंड आपने जैसे ही कोवैक्सीन का डोज लिया तो इस सिस्टम का बूस्टअप हो गया। लेकिन अब ये सिंगल डोज उन लोगों पे लागू नहीं होता है जिनको कोविड-19 कभी हुआ ही ना हो। तो जिनको कोविड-19 नहीं हुआ है उनको तो दो डोज लेना ही पड़ेगा अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। तो ये थी पूरी सच्चाई इस सिंगल डोज कोवैक्सीन के पीछे। तो आप लोग प्लीज़ सोशल मीडिया को देख के ये ना समझें कि आप बस एक डोज लगा लिए हो तो आप कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड हो। एंड दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूँ कि ये जस्ट रिसर्च में आया है, ये अभी स्टडीज़ में देखी गई है, लेकिन भारत सरकार ने इसको ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है। अभी सरकार ने ये नहीं कहा है कि अगर आपको कोविड-19 था तो आपके लिए सिंगल डोज कोवैक्सीन सफिशेंट है। तो आपको अभी वेट करने की ज़रूरत है, जब भारत सरकार से आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा तो सिंगल डोज का चलन शुरू हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स जब सिंगल डोज का चलन शुरू हो जाएगा तो ये जो शॉर्टेज है, ये जो सप्लाई नहीं हो पा रही है वैक्सीन की, एटलीस्ट इससे हमें छुटकारा मिल जाएगा, इससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। रह गई बात किसी भी तरीके की क्वेरी की तो हमें आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको हर बार की तरह आंसर दे दिया जाएगा। थैंक यू।